जान कैसे और पिया लागा तुमसे मुरजिया। The Muslim power was at its zenith at the 18th century. But in the middle of 19th century, कौन? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। अगर तुम्हारी मामा ने देख लिया तो पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करेंगे। मुझे टीपू ने बताया तुम जा रही हो। सामान भी पैक कर लिया तुमने तो। पानू इतना बड़ा फैसला क्यों अचानक? ऐसे नहीं कर सकती तो। तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ नहीं, मेरा जाना जरूरी है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन ये नहीं कोई मुझे गलत किरदार की लड़की समझे, मेरे मेरे किरदार पर उंगली उठाए। हम कभी नहीं मिलेंगे क्या? रंग में चाहतों की धीमे से मैं नहीं जानती और मैं ये सोचना भी नहीं चाहती। ये सोचती हूँ तो मेरा दिल कटने लगता है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मुस्लिम पावर मुझे ना वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। पानो की नानी ने कलेश का इजहार किया था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, होगा वही जो तुम चाहो। तुम्हें रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा तो मैं पप्पी अम्मा को इनकार कर दूंगी। नहीं नहीं इनकार मत करना, मैं तो यही कह रही थी कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। देखो ना हमारे सोबान के लिए पानू से अच्छा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता और मेरा ख्याल है कि सोबान और बानू भी यही चाहते। क्या बात है भाई, इतनी बड़ी तब्दीली, तुम्हें तो ये रिश्ता मंजूर ही नहीं था, अचानक इतना बड़ा इनकलाब। भाई बड़ा ही शक है तुम्हारी तबीयत में। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मैंने सोबान की आंखों में बानो के लिए पसंदीदगी देखी है। मैं तो बस सुबान की खुशी चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुबी अम्मा सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। वो भी परेशान थी कि बानो को कोई अच्छा घर मिल जाए। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे घर से अच्छा घर उनको और भला कौन सा मिलेगा। तो बस नेक काम में देर कैसी, मैं तो कहती हूँ अभी फोन करके बात पक्की कर लो। सलमा इस वक्त मुनासिब नहीं है, ये बात बताने के लिए मैं खुद हैदराबाद जाऊंगा और रुपी अम्मा को बताऊंगा। अच्छा तो फिर कब का इरादा है? क्या हो गया है, इतनी जल्दी क्यों मचा रखी तुम? मैं तो सिर्फ आपकी पुप्पो जान की वजह से कह रही हूँ, वो बीमार रहती है ना इसलिए। और हाँ याद आया, वो बानो जो है ना वो भी सामान बांध के बैठी है उदास है अपनी नानी के लिए, बिला वजह उदासी की अदाकारी करके कमरे में घुस के बैठी है काम से जान छुड़ा के, समझाओ उसे। मैं ऐसा करता हूँ कि
उसे भी अपने साथ ले जाता हूँ, मिल लेगी फूफी अम्मा से। है, है बिलावा जी, काम कौन करेगा, मुझसे नहीं होते काम शाम। हाँ भाई, अब तो तुम बहू वाली होने जा रही हो। नानी, मैंने आपको बहुत याद किया। सच कहूँ तो आपसे दूर जाने के बाद ही पता चला आपकी अहमियत का, कि आप मेरे लिए कितनी जरूरी है। चलो हटो, ऐसे ही कहती रहती हो तुम। नानी, वक्त कितना अच्छा था ना, जब आप, मैं, आबिद मामू इस छोटे से घर के अंदर थोड़े से पैसों के अंदर कितने खुश रहते थे। हमारी दुनिया कितनी मुकम्मल थी, सब कितना अच्छा था। आपकी गोद की गर्माइश कितना तहफ्फुज़ था। वक्त बीत क्यों जाता है नानी, मरता क्यों है? वाह भाई, नानी और नवासी में क्या बातें हो रही हैं? हाँ वक्त बेटा, बैठो। तुमने खाना तो ठीक से खाया, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? अगर है तो फौरन बता दो, कौसर है अभी बावर्ची खाने में। मैंने चाय पीनी है, लेकिन कौसर के हाथ की नहीं, अगर बानो बनाए। जाओ बेटा, मामू के लिए चाय बनाओ। मैं अभी लेकर आती हूँ। फूफी अम्मा, बहुत अच्छी तरबियत की है आपने बानो की। ऐसी बच्चियां जिस घर में जाती हैं, उस घर को जन्नत बना देती हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा घर जन्नत हो जाए। खुफिया मां, मैं सोभान और बानो के रिश्ते पे रजामंद हूं। अख्तर बेटा, तुम सच कह रहे हो, अपने दिल से कह रहे हो ना? खुफिया मां, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, और वैसे भी सोभान का कारोबार चल पड़ा है, कोई कमी नहीं होगी बानो। और सलमा, उससे पूछ लिया तुमने? वो राजी तो है ना? फूफी अम्मा, न सिर्फ राजी है वो, बल्कि बहुत खुश है। अख्तर बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूंगी? तुमने तो मेरे कंधों पर से बोझ हल्का कर दिया है, मुझे तो हर फिक्र से आजाद कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा घर हमेशा आबाद रखे। मामू, चाय के साथ आप इधर आओ, इधर आओ। सी मामू, देखो मैंने फूफी अम्मा से इजाजत ले ली है, अब तुम्हें हमेशा हमारे साथ हमारे घर पे रहना होगा। हमारी बहू बनकर और सोभान की दुल्हन बनकर। मैं चाय लेकर आती हूँ। सुबान बेटा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, किन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं, भूख नहीं है बस। भूख क्यों नहीं लग रही भाई? इतनी मेहनत करने के लिए अच्छी सेहत का होना भी तो जरूरी है ना। शाबाश, अपना ख्याल रखा करो। जी।
मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए फैसला किया है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। मामा आप जो फैसला करेंगी मुझे कबूल। गुड। अख्तर की पुप्पो जाने ना, उनकी नवासी बानू के लिए अख्तर तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए गए। मामा ये मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद करते हो ना। वो आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं आ रहा। मेरा शुक्रिया अदा करने का बस एक ही तरीका है, उस लड़की को कभी मुझ पे फौकियत मत देना और उसे ये अच्छी तरीके से बावर करवा देना कि ये घर तुम्हारी मामा का है और तुम अपनी मामा के फर्माबरदार बेटे। ठीक है, खाओ खाना। ओके बेटा, मैं तो सोई ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं आ रहा। तुम खुश तो हो ना? तो क्या मैं आपको उदास दिखाई दे रही हूँ? मुझे यकीन है सुबान बहुत मोहब्बत देता तुम्हें, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी तो बहुत अच्छी हूँ। हाँ तुम भी बहुत अच्छी हो, मगर बस एक यार और वो ऐब है गुर्बत। और हमारे यहाँ गुर्बत एक बहुत बड़ा ऐब है। मैं तो अख्तर और सलमा की शुक्र गुजार हूँ, बहुत एहसान किया है उन्होंने मुझ गरीब पर। कायल हो गई हूँ मैं तो उनके बड़ेपन की। अख्तर कह रहा था कि वो तुम्हें अपने साथ कराची ले जाना चाह। मैंने एतराज तो किया मगर उसने कहा कि ये ऐसे एतराज तो गैरों में होते हैं। बात उसकी माँ को, मैं मान गई। अच्छा जैसे आपको ठीक लगे। मगर मैंने एक बात कही है अख्तर से, मैंने कहा कि मंगनी करूंगी मैं बाकायदा। कहने लगा आप कराची आ जाए, जब आप कहेंगे हम मंगनी कर देंगे। नहीं 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 नानी, उनको कहिए कि यहीं पे आए और यहीं पे आके रस्म करें। जैसे ही मेरी सहेलियां सुभान को देखेंगी वो तो हैरान ही रह जाएंगी। आप उनसे बात करेंगी ना? मेरा मतलब है आप बात करेंगी ना? तो कहती है ना तो फिर कर लूंगी। अच्छा बाकी चाय भी बना के देगी मुझे कि नहीं? बस बस ये करके आई। हेलो। हाँ सलमा कैसी हो, क्या हो रहा है? क्या होना है अख्तर, टीपू ने आलू भरे पराठों की ना फरमाइश कर दी है। तो आसान काम थोड़ी है आलू के पराठे बनाना। कोई बना के अभी बैठी हूँ। खैर तुम बताओ कि आ कब रहे हो? सुनो बानो को भी साथ लेकर आना। बेशक फुप्पी अम्मा इतराज करती हैं तो करती रहे, लेकिन तुम उसे साथ लेके आना। भाई आखिरकार वो हमारी मिल्कियत है, हमारा पूरा हक है उस पर। वो सब तो ठीक है लेकिन हम आज नहीं आ रहे। क्यों? फुप्पी अम्मा बाकायदा रस्म जा रही। चलो ये तो कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं अब। क्योंकि वो फजूल सी मामूली सी शक्ल वाली लड़की को हमने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया, ये क्या कम है? सलमा इसमें कोई इतराज तो नहीं निकलता। बानो उनकी अकलौती नवासी है, वो उसकी खुशी देखना चाहती है और उनकी ख्वाहिश है कि हम इस रस्म में शिरकत करें। क्या हम उनके यहाँ जाकर रस्म करेंगे? हरगिज भी नहीं। जीनी और टीपू तो नहीं मानेंगे, तुम इनकार कर दो। देखो मैं हामी भर चुका हूँ, तुम बानो के लिए अंगूठे और जोड़ा खरीद के कल शाम तक आ जाओ। अरे क्या मुसीबत है अख्तर,
तुम्हें टेंशन क्या है, मसला क्या है? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सुबान को नहीं लेके आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, नया नया स्टोर खोला है, स्टोर बंद नहीं होना चाहिए। बल्कि जीनिया और टीपू से भी पूछ लेना, मना करे तो इसरार मत करना। ओके अच्छा ठीक है, चलो अब फोन बंद करो, मुझे बाजार जाने की तैयारी भी करना। खुदा हाफिज। क्या बात है, क्यों परेशान है? अब भी और इसी वक्त बाजार जाना है मुझे। क्यों, ऐसी क्या इमरजेंसी है? अख्तर की फुप्पू अम्मा की एक नई फजूल फरमाइश आई है। उनकी थर्ड क्लास बेवकूफ नवासी को इस घर की बहू बना रहा, अब उन्हें और क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे बाकायदा रस्म करना चाह रही है, एंगेजमेंट की रिंग और एक जोड़ा लेकर मुझे हैदराबाद जाना है कल। अच्छा है ना, एक रस्म हो जाएगी। तुम चलोगी? मैं क्यों जाऊंगी, वैसे भी मुझे बेगम कुलसुम के घर जाना है। उनकी मुलाजमा बता रही थी आजकल ताजदार कराची में। मुझको ही करने पड़ेंगे सारे काम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जो तुमने कहा है वही मेरे कानों ने सुना है। अब आप मुझे शर्मिंदा करना चाह रही हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तो वाकई बहुत खुश हूँ। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि तुम बिजनेस में दिलचस्पी लो। अब तुम्हें तो पता है कि मेरी उम्र और मेरी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इतनी मेहनत करूँ। सारा बोझ मेरे कंधों पर डालकर बैठ जाए, आपको भी ऑफिस आना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, ऑफिस में जरूर आया करूंगी। बस फिर ठीक है। कुछ चाहिए था आपको? चाय कॉफी लाऊं आपके लिए? नूरा, ये चाय कॉफी का कौन सा वक्त है? अच्छा जी, वो जी बटेर भून लिए हैं, वो ले आऊं आपके लिए? जाओ नूरा, हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, जाओ। जो हुक्म बेगम साहिबा। ताज जी, फ्रूट ले आऊं आपके लिए? ये पागल तो नहीं है, एक बार समझ में नहीं आती इसके बाद। जो नूरा, तुआन खान का फोन है, मुझे उसके साथ कहीं जाना था। खाना बाहर खाऊंगा, देर हो जाएगी, इंतजार मत। ये लो कौसर, इनको बाजार ले जाकर बेच दो। इससे जो पैसे मिलेंगे ना, उसमें हम मेहमानों का खाना भी कर लेंगे और जो लेना देना है वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा आप जल्दी जल्दी लिस्ट बनवा लें इसे, ताकि बाजार जाऊं तो एक साथ ही सारे काम करके आऊं मैं। हाँ लिखो, 3 किलो अच्छे चावल। किलो बासमती चावल ना? हाँ जी। और 3 किलो गोश्त। नानी। हाँ बोलो। आप मामू को नहीं बुलाएंगे? बानो, तुम उसको बुलाने की बात कर रही हो जिसने कभी अपनी माँ को पलट के पूछा तक नहीं? कौशल नानी, मैं जिद नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम बुलाना चाह रही हो तो बुला लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो बुलाना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ उनसे, मैं बहुत उदास हूँ उनके लिए।
बुला दो। कुसुम आंटी से मिलना है। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं उससे कहता हूं कि हो जाए। सलाम बीबी। बेगम साहिबा घर पर हैं? जी वो तो घर पर नहीं है, अभी अभी फोन आया था तो उन्हें जाना पड़ा। आप अंदर आइए, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। ताजदार का कमरा कहाँ है? जी उस तरफ। मुझे वहां ले जाओ। इजाजत नहीं है जी। क्या मतलब? आने दो आंटी को, देखो तुम्हारी कैसे शिकायत लगाते हैं। किस तरफ है कमरा? हाँ जी उस तरफ। जी साहब घर पर नहीं है जी।
मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों क्यों चाहिए पैसे? तुम्हारे पापा ने मुझसे जॉब छुड़वाकर मुझे सवाली बना दिया है। अब देखो ना, थोड़े थोड़े पैसों के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो अबे तुम कौन सा वहां जॉब करना चाहते थे? तुम्हें भी तो इतनी जल्दी थी। खैर, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दे दो कोई 8-10 हजार। अब ये भी बता दो कि किस लिए चाहिए। मेरी भांजी का फोन आया था, उसकी बात पक्की हो गई है। अब खाली हाथ जाऊंगा तो बुरा लगेगा। The pretty one, right? उस बिचारी की बात पक्की करवा दी है तुम लोगों ने, कहीं अपने जैसे में तो नहीं करवा दी? सारी जिंदगी गुर्बत की चक्की में पिसेगी बेचारी, रंग रूप सब जाता रहेगा। अभी फोन पर बात हुई है, तफसीलन पता नहीं चला, जाऊंगा तो पता चलेगा। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं क्या करूंगी वहां जाके? वैसे भी तुम्हारी अम्मी का मूड खराब हो जाता है मुझे देख के। रहने दो, लेकिन एक काम करो, उसको गिफ्ट दे दो मेरी तरफ से। हाँ, एक काम करो, ये घड़ी दे दो उसको। ये तो पुरानी घड़ी है, आई मीन तुमने काफी दफा पहनी है ये घड़ी। जानते हो ये घड़ी कितनी महंगी है? दे दो, अच्छी बच्ची है, खुश हो जाएगी। तुम्हारे गिफ्ट के पैसे लाती हूँ मैं अभी। ये लो, गिफ्ट के पैसे भी हो गए। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया? कुछ नहीं, थोड़ी अपने लिए भी शॉपिंग करनी थी। तुम्हें शॉपिंग की क्या जरूरत है आबिद? ऑलरेडी इतने कपड़े रखे हुए, उसी में से कुछ पहन लो। वैसे भी वहां सबसे वेल ड्रेस तुम ही हो गए। आंटी, काम तो होता रहेगा, आप चाय पिए ना। हाँ बेटा, बस खत्म हो गया। मामा आपको सलाम कह रही थी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। लाई थी नहीं उनको अपने साथ? जी मैं जरूर लाती, एक्चुअली वो हैदराबाद गई है मेरे भाई सुभान की बात है करने। इतनी बड़ी खुशखबरी तुम अब दे रही हो मुझे, कहाँ तैयार हुई उसकी बात? आपको याद है उस दिन आप आई थी, हमारे घर में एक लड़की थी। अच्छा अच्छा, वो प्यारी सी भोली भाली सी लड़की, वो ना बानो नाम है ना उसका। आपको उसका नाम भी याद है? हाँ, उसको देखने के बाद तो मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही। साफ शफाफ आंखें, रोशन पेशानी, वो तो मेरे दिल में घर कर गई है। बहुत गरीब और यतीम है बेचारी, इसीलिए बाबा को तरस आ गया, उन्होंने सुबान के लिए सामान लिया। बड़ा खुश नसीब है तुम्हारा भाई, उससे कहना कदर करे उस बच्ची की। चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। हाँ मैं पी रही हूँ, तुम भी जल्दी से पी लो बेटा। ड्राइवर के साथ तुम चली जाना घर, इसलिए कि मुझे एक फंक्शन में जाना है। थोड़ा देर से आऊंगी इसलिए कह रही हूँ। तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? वक्त से घर पहुंच जाओ, और हाँ जल्दी आना फिर, और सलमा को भी लेके आना, और बानो अगर आना चाहे तो उसको भी। जी जरूर लाऊंगी बानो को। अच्छा बेटा, मैं अब चलती हूँ, थोड़ी सी तैयारी भी कर ले। चलो नूरा मेरे साथ। खुदा बड़े टाइम पर मैंने बानो को रास्ते से हटाया, ये तो लड्डू ही हो गई थी इस पर।
मगर क्या फर्क पड़ता है। बानो बीबी, तुम्हारे नसीब में वो मामूली दुकानदार है। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। तुमने बुलाया था ना, फिर क्यों ना आता? अरे पगली, तू तो अब भी उतनी ही बेवकूफ है। ऐसी खुशी के मौके पर यूं नहीं रोते। मैं रो थोड़ी रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। शैला मामी नहीं आई आपके साथ? वो बिजी थी इसलिए नहीं आ सकी। अच्छा, लेकिन देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। अच्छा छोड़े ना, देखिए नानी कब से आपको देख रही है। चले आए। खुश तो हो ना? हाँ, पहले तो मैं समझी थी कि आपको कभी देख ही नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर आप अचानक आ गए। मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। बानो, मैंने ये नहीं पूछा। तो फिर क्या पूछा है? मैंने पूछा तुम इस रिश्ते से खुश तो हो। पहले आप बताइए, आप अपनी मोहब्बत की शादी से खुश तो हैं? अभी भी शैला मामी को उतना ही चाहते हैं जितना कि पहले चाहते थे? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अगर शादी के बाद आप लोगों की मोहब्बत कम हो गई है तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैंने ये कब कहा? अब मेरा मतलब है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और ये तुम क्या उल्टी बातें लेके बैठ गई हो? तुम तो पहले से भी ज्यादा पगली हो गई हो। नहीं, तुम्हें बहुत समझदार हो गई हूँ। आपके जाने के बाद साए से धूप में आ गई हूँ, बहुत कुछ सीख गई हूँ, बहुत कुछ समझ गई हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तुम्हारे और अम्मा के मामले में बहुत मुखलिस था, फिर हालात कुछ ऐसे बिगड़ते गए और मामलात को बिगाड़ने में अम्मा का भी हाथ है। अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, काफी देर हो गई है। हाँ, अच्छा खासा टाइम हो गया, मुझे भी घर जाना है। hmm.
जान कैसे हूँ।